चैप्टर 14 पे आइए जी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कॉरेस्पॉन्डेंस। आपका डिपार्टमेंट जो कॉलेज है ये भी हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है, या बिजनेस एंड फाइनेंस या बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एक बड़ा ही रेलेवेंट कंपोनेंट है हमारी मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज का, जिसमें इसके जरिए ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट और विद्रॉल ऑफ मनी और मनी की ट्रेड जो है वो हुआ करती है। एंड यू ऑल्सो डिपॉजिट योर इम्पोर्टेंट प्रेशियस मेटल्स एज वेल लाइक गोल्ड एट दीज प्लेसेस लाइक बैंक्स। तो बैंकिंग एक पर्टिनेंट इंपॉर्टेंस का हमें लेके जा रहा है जहाँ पे किया जाता है। तो आई रीड फ्रॉम हेयर एंड विल प्रोग्रेस फर्दर फ्रॉम देयर। चैप्टर 14, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को, नजर आ रहा है सब कुछ? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कॉरेस्पॉन्डेंस, यस सर। 172, राइट, ओके। सो मनी इज लाइक अ सिक्स सेंस विदाउट व्हिच यू कैनॉट मेक अ कंप्लीट यूज ऑफ द अदर फाइव। दूसरा आपकी आपके पांच अदर सेंसेस होती है, लेकिन सिक्स सेंस जो होती है वो भी एक सेंस कंसिडर की जाती है। मनी भी हमारी सोसाइटी में उतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि उसके बगैर आपकी जिंदगी के बाकी तमाम मामला जो है वो जीरो हो जाते हैं। यानी इफ अ पर्सन इज वाइज बट नॉट हैविंग मनी, दैट विजडम इज बेसिकली यूजलेस। तो मनी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है ह्यूमन लाइफ का कि उसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है। बट दिस इज अ प्रोवर्ब दैट इज यूज्ड अप देयर। चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स, to bring to the notice of learner special requirements of letters written to transact business with banks and insurance companies. Hamare mulk mein insurance ka rivaj itna zyada nahi hai, basically uske reasons ye hai ki hamara life after death ke upar bhi imaan hai aur hum is cheez ko itna important nahi samajhte ki bhai bima karwana ya rakam jo ke aapne khud use nahi karni, to why should one be having insurance। तो कुछ हमारे मजहबी अकायद जो हैं वो भी उसके साथ तजाद रखते हैं। दैट्स व्हाई इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इस तरह के मामला जो हैं वो करवाने का रिवाज बहुत कम है हमारे मुल्क में। लेकिन किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में आप जाएं तो वहां पे बैंकिंग के साथ इंश्योरेंस लाजमी लगी हुई होती है। आपका कोई लॉस हो जाए तो आप इंश्योरेंस की अगर आपने रकम भरते रहे हो तो आपका वो लॉस कवर कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इसका रिवाज कम है। वी हार्डली हैव हेल्थ इंश्योरेंस, वी हार्डली हैव हाउसिंग इंश्योरेंस, वी हार्डली हैव कार इंश्योरेंस एटसेट्रा। और हम कहते हैं अगर लॉस हो गया तो हो गया, अब हम नई चीज लेंगे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड में बैंकिंग के साथ साथ इंश्योरेंस की भी खास इम्पोर्टेंस है। To bring to the notice of learners special requirements of letters written to transact business with banks and insurance companies by giving several examples dealing with different kinds of common situation। आप वेस्ट में जाए, आपको AON and plenty of other insurance companies आपको मिलेंगे। आप जहाज पे ट्रेवल कर रहे हैं यूरोप में तो आपके लिए इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे तो आपका लॉस होगा, तो आप किसी से क्लेम नहीं कर सकते। यू हैव टू क्लेम योर लॉस। उसकी एक वजह ये भी है कि देयर इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस प्रिंसिपल दैट इज फॉलोड इन वेस्टर्न कंट्रीज, कि भाई अनसर्टेनिटी को हमेशा अवॉइड करना है। लेकिन हमारे मुल्क में रिस्क टेकिंग जो है उसको एक नॉर्मल चीज समझा जाता है कि अगर लॉस हो गया तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिसेंटली देखा कि हफीज सेंटर की बिल्डिंग जल गई है, पूरी चलती है तकरीबन 3/4 या 1/3 या 1/4, लेकिन एसेंशियली उसकी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है जलने की वजह से। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि वो बिल्डिंग इंश्योर्ड नहीं थी या उसमें शॉप्स इंश्योर्ड नहीं होंगी। हैड दिस बीन अ केस विद वेस्ट, दिस इज मोर देन जस्ट पॉसिबल दैट मोस्ट ऑफ दोज शॉप्स वुड बी इंश्योर्ड और उस इंश्योरेंस के जरिए वो अपनी मनी या लॉस को क्लेम कर सकते थे। इसके केस में, हफीज सेंटर के केस में, शायद ये गवर्नमेंट से ही कॉम्पेंसेशन की रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमें कॉम्पेंसेट किया जाए, जिसको दूसरे सेंस में आप बेगिंग कह सकते हैं कि ये सिर्फ अपनी हमदर्दी की बेस के ऊपर पैसा लेने की कोशिश होगी, ना कि एक लीगल राइट के तौर। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस आर एक्चुअली, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर बेसिकली वर्किंग टुगेदर इन वेस्टर्न कंट्रीज। कम्युनिकेशन कोर, व्हेन वी एम्बार्क अपॉन योर करियर, व्हेन यू एम्बार्क अपॉन योर करियर एज ए प्रोफेशनल, यू वुड हैव टू डील फ्रीक्वेंटली विद टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, namely banking and insurance, both for official and personal purposes। तो आपको अगर आप अपनी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं
पर्सनल लाइफ गुजार रहे हैं, तो आपका यकीनी तौर पे बैंक के साथ पाला पड़ेगा। अगर आप कमा रहे हैं या आप किसी जगह एम्प्लॉयड हैं, तो पहला काम आपको कहा जाएगा कि अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं किसी जगह, ताकि आपकी सैलरी वहां पे जाए। आपको कैश में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस केस में आपकी मैं गड्डी लेके आया, मैं अगले दिन तो गड्डी की बोल रहे मिले यार। ये अपना जरा माइक काइंडली बंद करिएगा। Professional, you would have to deal frequently with two types of financial institutions, namely banking and insurance. Both are official and personal purposes. The guidelines and sample letters provided herein would help you communicate with. Last time कहा था कि वही problem होता है कि mic जब control देता हूँ तो disturbance आती है। Professional, you would have to deal frequently with two types of financial institutions, namely banking and insurance, both for official and personal purposes. The guidelines and sample letters provided herein would help you communicate with them effectively. For example, अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ तो मेरे साथ काम करने वाले तकरीबन 2000 और प्रोफेसर जो है उनके बैंक अकाउंट्स लाजमी है। एक तो लाजमी होगा जहाँ पे उनकी सैलरी आती होगी, और कुछ केसेस में उनके प्राइवेट और अकाउंट्स भी हो सकते हैं। तो बैंकिंग इज मैंडेटरी जब कभी, ताकि आपकी मनी की जो ट्रांजेक्शंस हैं वो डॉक्यूमेंटेड हो। अगर डॉक्यूमेंटेड ना हो तो इसका मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू इवेड टैक्स, और टैक्सेशन सिस्टम का इस मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक इंटेग्रल पार्ट है। दैट्स व्हाई बैंकिंग सिस्टम इज अ रिलायबल मीडियम थ्रू टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन एंटिटी टू द अदर। Of all the qualities required in business, that is, accuracy and clarity are the most significant virtues in bank and insurance correspondence. So accuracy or clarity jo hai, ye important cheez hai. Banks play an important role in financial transactions among individuals, traders, business companies, institutions and social organizations. Their basic function is to provide facilities for depositing and withdrawing money, and when required to arrange for its transfer to concerned parties. Basically, aap jaisa maine pehle baat ki ke bhi कैश या डिपॉजिट कराया जाता है या विदड्रॉ किया जाता है। एटीएम मशीन्स आपने देखी हैं, या चेक का सिस्टम है, चेक के जरिए आप डिपॉजिट कर रहे हैं या चेक के जरिए आप मनी विदड्रॉ भी करते हैं। इसी तरह आप बजरिया एटीएम भी मनी विदड्रॉ भी कर सकते हैं, बजरिया एटीएम आप मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो अगर ये बैंक ना हो तो आपको खुद ट्रेवल करना पड़े और मनी कैश की सूरत में आपको कैरी करनी पड़े। तो कैश को हैंडल करने के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए बैंकिंग एक इम्पोर्टेंट वेन्यू है, और दूसरा ये कि टैक्स के सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के लिए वेरी नेसेसरी फंक्शन है इनका। देयर बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर डिपॉजिटिंग एंड विदड्रॉइंग मनी, एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू अरेंज फॉर इट्स ट्रांसफर टू कंसर्न्ड पार्टीज। ऑब्वियसली द यूज ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज रिड्यूसेस कैश हैंडलिंग एंड इंश्योर्स फास्ट एंड सेफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, taxes, loans, advances, etc. So basically, tax का system जो है वो streamline होता है, document होता है चीजें कि फलां के bank account में कितने पैसे हैं। हम cash, हम हर साल tax returns जो है वो file करते हैं, और हमें पूरे साल की from 1st June till or 30th of June last year to 30th of June this year तक की bank statement हमें देनी होती है पूरी की पूरी। यानी आप उसको hide नहीं कर सकते, conceal नहीं कर सकते। You are supposed to disclose it to FBR or the central tax system as such, so that it is revealed what kind of transactions have been taking place, what kind of money is white money and what kind of money is basically a jaded task money as such. तो आपको बताना होता है कि दूसरा ये कि आपकी सैलरीज का आना, सैलरीज में से कितनी रकम आपने निकलवाई, कितनी रकम आपने ट्रांसफर की किसी जगह। तो फॉर दैट पर्पस बैंक्स प्ले अ की रोल। इन फैक्ट द बैंक्स हैव नाउ बिकम एन इनएविटेबल लिंक इन मॉडर्न बिजनेस व्हिच डिपेंड्स हेवीली ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एंड लोन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। बैंक्स जो है क्रेडिट कार्ड की चक्कर में भी आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप अगर कैश नहीं हैंडल करना चाह रहे हैं तो आप क्रेडिट की सूरत में, यानी उधार की सूरत में चीजें खरीदें और बाद में उनको पे करें। एट द सेम टाइम लोन फैसिलिटीज आर आल्सो प्रोवाइडेड। फॉर एग्जांपल कार लोन्स प्रोवाइड करते हैं बैंक्स आपको, और अगर आप हाउसिंग करनी हो, कंस्ट्रक्शन करनी हो तो उसके लिए भी करते हैं। प्लॉट लेना हो, कोई बिजनेस इनिशिएट करना हो तो कमेंसुरेट विद योर इनकम एंड योर एसेट्स दैट यू हैव banks offer you loans, और अगर आपके पास आपके पल्ले कुछ नहीं है तो बैंक आपको
लोन नहीं देगा। तो बैंक्स का पर्पस ये भी है कि कैश को सर्कुलेट करना और लोगों को देना और लोगों से लेना। बेसिकली बैंक्स जो है वो प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं, गवर्नमेंट के बैंक्स भी होते हैं। प्राइवेट बैंक्स का ये है कि भी ज्यादा से ज्यादा वहां पे अकाउंट्स खोले ताकि उनके पास कैश आए और उस कैश को वो सोसाइटी मार्केट के अंदर सर्कुलेट भी करते हैं थ्रू वेरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। तो कैश को रखना उनका बेसिक ये फंक्शन होता है। इन स्पेसिफिक टर्म्स अ बैंक ऑफर्स द फॉलोइंग मेन सर्विसेज। नंबर वन, बैंक की वेरियस फंक्शन, आप हबीब बैंक, एमसीबी बैंक, बैंक इस्लाम, दुबई इस्लामी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सारे हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द। दे आर प्रीटी मच लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, दे आर मेंट टू अर्न प्रॉफिट्स, बारिंग दोज विच आर विच बिलोंग टू गवर्नमेंट। बैंक ऑफ पंजाब भी आपको मिलेगा, नेशनल बैंक भी मिलेगा, बेसिकली फंक्शन उनका भी प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन एट टाइम्स दे वर्क ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस टर्म्स एज वेल। तो जो प्राइवेट बैंक है या आम बैंक कोई भी आप लेंगे, उसके की फंक्शंस क्या है ये आपको देखना है। नंबर वन, इट एक्सेप्ट्स कैश डिपॉजिट्स बाय कस्टमर्स। जिस तरह अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप अपनी मनी उनके सुपुर्द करेंगे, एक किस्म की आपने गारंटी के ऊपर उनको दी है कि भी बैंक उसको सेफगार्ड करेगा और बैंक उसकी जो सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसके जिम्मे, उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, बैंक को, बैंक को कैश मिल रहा है। बैंक को सिर्फ एक कस्टमर का कैश मिल रहा है, बैंक को थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स का कैश मिल रहा है और वो कैश रख के सो नहीं जाएंगे, उस कैश को वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह इंश्योरेंस कंपनीज भी करती हैं। तो इट प्रीएम्प्ट्स, और इसके साथ साथ मनी जो है उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। नंबर वन, इट एक्सेप्ट्स कैश डिपॉजिट्स by customers. Number two, it permits withdrawal of cash by depositors. जिस तरह ATMs होते हैं कि भी withdrawal भी करवा सकते हैं, और अगर आप ज्यादा मनी अपनी विड्रॉ करेंगे तो बैंक थोड़ा सा हिल जाएगा कि भी आप तो सारा कैश ही ले गए हमारे से, हालांकि आपका अपना कैश है, लेकिन स्टिल दे डू नॉट एनकरेज मैसिव विड्रॉल ऑफ मनी एज सच। नंबर थ्री, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट्स बाय कस्टमर्स फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। It provides facilities for fixed deposits by customers for varying periods of time. Fixed के भी इतने deposit आप इतने अरसे के लिए कर सकते हैं यहाँ पे। Number four, it encashes checks drawn by a depositor. जी हाँ, आपने कोई चेक लिखा है तो आप चेक के जरिए जब आप मनी कैश की सूरत में लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कि आप बैंक में कैश चेक लिखें और चेक के बदले वो आपको मनी निकाल के दे देंगे। चेक्स आर एक्चुअली द रिसीट्स ऑफ मनी। नंबर फाइव, इट एक्सेप्ट्स चेक्स ड्रॉन बाय अदर बैंक्स फॉर कलेक्शन एंड क्रेडिट टू द कस्टमर्स अकाउंट, और दूसरे बैंक से आने वाले जो चेक्स हैं उनको भी ये प्रोसेस करते हैं और उसकी उन्होंने फीस रखी होती है, और इस तरह ये होता है कि भाई इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस एंड मनी travels, money circulates between various kinds of banks as well, but doesn't remain closed within lockers of one bank, rather it circulates between various banks. Number six, it provides facilities for transfer of funds to the other banks and its branches. Aur isi tarah agar aap for example Habib bank mein aur aap Standard Chartered mein bechna cha rahe hain, they also provide facilities to transfer funds to the other banks or its branches. Number seven, it grants loans and advances to its customers. So loans agar lena chahe kuch log ye naram ya sakht sharait par logon ko loan bhi diya karte hain. So banks are basically the repositories from where cash transactions take place, cash withdrawals take place, and loan facilities are also granted by banks. Umre aur haj ki scheme jo hai unko bhi बैंक्स जो डील करते हैं, इस्लामिक बैंकिंग चली हुई है, देयर आर न्यूमरस थिंग्स, ज़कात जो है वो भी गैदर करते हैं, सो देयर आर न्यूमरस फंक्शंस। नंबर 8, इट एक्सेप्ट्स बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, टैक्सेस एटसेट्रा फ्रॉम कस्टमर्स फॉर ट्रांसफर टू कंसर्न पार्टीज। बिल्स भी लेते हैं, यूटिलिटी बिल्स भी हो सकते हैं, उसपे इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी गैदर करते हैं, टैक्सेस एटसेट्रा फ्रॉम कस्टमर्स फॉर ट्रांसफर टू कंसर्न पार्टीज, सो दे वर्क एज इंटरमीडियरीज। जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर अगर आप बैंक में देखें तो स्टूडेंट्स की अक्सर रश लगा होता है, वो अपनी फीसें जमा कराने आए होते हैं और वो फीसें बैंक के पास नहीं जा रही होती, बेसिकली वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जा रही होती है। तो दे बैंक इज एक्चुअली वर्किंग एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन टू पार्टीज,
जिसके थ्रू उनको और बैंक उसमें से बेनिफिशियरी इसलिए भी है क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उन सर्विसेज का वो में से वो फिक्स प्रॉफिट भी गैदर करेंगे एंड प्लस फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम द मनी रिमेन्स इन देयर लॉकर्स द बैंक विल प्रॉफिट फ्रॉम दैट कैश थ्रू प्रॉफिट फ्रॉम रेट ऑफ इंटरेस्ट एज सच. नंबर 9, इट एक्सेप्ट्स अ मॉर्गेज ऑफ हाउसेस. घरों की मॉर्गेजेस जो है उसके भी स्कीमें की होती हैं. लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज फॉर ग्रांट ऑफ अ डेट और द रेगुलर पेमेंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट टू अ पार्टी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स टू रेंट लॉकर्स ऑन नॉमिनल चार्जेस. जिस तरह लॉकर्स गोल्ड रखने के लिए लोग लॉकर्स को लाते हैं और अपनी इंपॉर्टेंट प्रेशियस चीजें रखवाने के लिए लॉकर्स को लाते हैं और उसके भी वो नॉमिनल चार्जेस जो है वो चार्ज करते हैं बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू स्पेस एंड फैसिलिटी एंड गारंटीइंग द सिक्योरिटी ऑफ योर प्रेशियस थिंग्स. टू रिड्यूस द लोड ऑफ वर्क ड्यू टू ओवर इंक्रीजिंग ट्रांजेक्शन मोस्ट बैंक हैव इंस्टॉल्ड एटीएम मशीन्स. लोड को कम करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स जिनको एटीएम मशीन्स कहा जाता है वो लगाई गई है ताकि हर बंदा आके वहां से कैश लेना या देने के लिए लाइनों में ना लगे बल्कि लोग खुद जाएं और वहां पे ऑटोमेटिक मशीन्स के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन करें और उससे उनको कैश रिसीव हो जाए. या इफ दे वांट टू सेंड मनी थ्रू एटीएम दे कैन सेंड बट दे आर नॉट अलाउड टू डू transaction more than 50,000 rupees per day in most banks, bank machines. In a large number of cities and to reduce the load of work due to over-increasing transactions, most banks have installed ATM machines in a large number of cities and resorted to e-banking for commercial transactions. Or e-banking की facility, internet banking जिसको कहा जाता है, वो commercial transactions के लिए भी होती है. उसके भी मखसूस limits हुआ करती है. You cannot transfer money more than let's say 25,000 if you're a salaried person, but if you earn in millions or billions, the transaction limit can be enhanced. So it all depends upon your profit and your worth, the worth of your business and your assets. They have also issued credit cards to customers to enable them to buy things or secure services without paying cash or issuing a check. But cash or check ke problems ko hal karne ke liye credit card ki facility jo hai wo chal pali hui hai jiske zariye log credit card number dete hain aur uske zariye payment kar dete hain aur baad mein unka 30-40 din ke baad monthly bill aa jata hai aur us tarah aapko cash handling ke problems jo hai wo hal ho jate hain. Debit cards are also often used nowadays. लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी भी कैश हैंडलिंग जो है एक नॉर्मल चीज समझी जाती है. हर बंदा अपनी जेब में 5-10,000 रुपया एट ए टाइम रख के फिरता है पाकिस्तान में बिकॉज इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स आर स्टिल नॉट एज मच इन वोग एज वी सी देयर इन लेट्स से फार ईस्ट जापान चाइना कोरिया एंड ऑल्सो इन द वेस्ट पर्टिकुलरली यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस. नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, बैंकिंग में कॉरेस्पॉन्डेंस किस तरह की जाती है. फॉर डीलिंग विद फाइनेंशियल मैटर्स एक्यूरेट कंसाइज एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज बेस्ट डन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म्स. दस इन एवरी बैंक फॉर्म्स फॉर ओपनिंग एन अकाउंट फॉर ट्रांसफर मनी फॉर ग्रांट ऑफ लोन एटसेट्रा अवेलेबल. जब भी आप बैंक जाएंगे तो आपकी लफ्जी किस्म की गुफ्तगू से काम नहीं चलेगा. यू आर सपोज टू फिल स्पेसिफिक फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पे ऑर्डर बनवाना है या बैंक ड्राफ्ट बनवाना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्म फिल करना होगा जिसमें आपको पर्टिकुलर्स देने होंगे और वो फिर उसको टैली करेंगे अपने डिजिटल रिकॉर्ड के साथ एंड देन इट विल बी कंफर्म दैट यू आर द एग्जैक्ट पर्सन. दोस फॉर्म्स जनरली इंक्लूड अ रिक्वेस्ट लेटर एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर द सप्लाई ऑफ डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय द बैंक. बेसिकली all banks require the same information but there are variations in expressing it. So every bank has its own set of forms for different purposes. There are however situations in which a standardized form alone cannot serve the purpose and a letter has to be written to meet a particular requirement. Aksar jagahon pe aapko ek proper letter bhi draft karna padta hai. Sirf form kafi nahi hota. Lekin aaj kal ke jo sophisticated modern banks hain they do not require this kind of extra paperwork. Rather their own forms are sufficient which convince them about the credibility of their customers.
There are, however, situations in which a standardized form alone cannot serve the purpose and a letter has to be written to meet a particular requirement. The structure, layout, and style of such a letter is the same as that of other business letters, which we have discussed earlier in this part. Sometimes a letter of this type is written to support or forward filled-in forms to give additional information or to induce quick action. Banking correspondence refers to the use of all types of standardized forms and letters to transact money business or to exchange information between banks and customers and to banks. So, aapko jab aapne batar individual ya customer bank ke paas ja rahe, so between bank and yourself, there is supposed to be some sort of documentary correspondence, and for that purpose, transact business or to exchange information between banks and customers and two banks. But if banks ke darmiyan mein kar rahe hain, to us surat mein bhi aapko banking correspondence karni padti. A few simple letters are given in the exhibits 14.1 to 14.7. Letter by a business company to open current account. एक business company है जो bank के अंदर अपना current account खोलना चाह रही, तो उन्होंने इसके लिए एक letter draft किया है. The manager, Kashiwal Wool Manufacturing Company Limited, और उनका ये letter head है जिसके ऊपर उन्होंने letter draft किया है. 31 Indigo Marg, New Delhi, 110056, 30 August 2014, reference 3981/CD, the manager, additional national bank, Indian National Bank, 23, Padmaker Marg, New Delhi, -110049. Dear sir, in a recent meeting of the board of directors, it was decided to open a current account in your bank. I'm sending herewith the filled in application form and certified copies of the supporting documents listed below. Number one, board's resolution to open the account. Number two, certificate of incorporation of the company issued by the registrar of companies. Number three, articles of the company. Number four, letter of introduction from Sri R.B. Nanavati, Secretary of Modern Government Limited, Industrial Estate, Okhla, Delhi. For initial deposits, I'm also sending ₹40,000 through Sri R.D. Vaish, our accountant. Please accept the deposit and open the account. I would be grateful if you could kindly arrange to issue a checkbook, a passbook, and a book of pay and slips in the company's favor and hand these over to Sri Vaish. Yours faithfully, A.M. Shahid, company secretary. So this is more or less like a cover letter. This is more or less like a cover letter. आप जहाँ पे भी कहीं पे अगर job के लिए भी apply करते हैं, तो आप एक application draft किया करते हैं. इस केस में जब आप किसी जगह पे बैंक वगैरह में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो along with the official documents and along with the official form that you fill to open the bank account, you're supposed to draft a cover letter as well, which is basically fulfilling the requirement of business correspondence between the customer and the bank, right? There is sample two, letter from a bank to a customer regarding statement of account. Ab bank ki taraf se bhi jawab aata hai. Bank pe sirf log various portfolios hold karke baithe nahi hote, balki they also communicate with their customers, because banks, as I earlier mentioned, are meant to earn profits, and that profit comes from various kinds of customers, not only individuals but also firms. The banks ka farz banta hai ki wo apne customers ghere, isiliye wo क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देने के लिए जगह जगह जाते हैं, ताकि लोग उनके पास आए और उनके क्लाइंट्स बने. इसी तरह बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी दे आर ऑलवेज वेरी इनकरेजिंग, दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कैश एंड दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन न्यू क्लाइंट्स. दैट्स व्हाई दे ऑलवेज कम्युनिकेट एंड कॉरेस्पॉन्ड विद देयर पोटेंशियल कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स. So this is a correspondence from the bank to one of the potential customers, which was a firm. 16 April 2014, reference flan flan flan, the manager. But there are 10 last minutes of this class. Let's see. So I go to, dear sir, I am sending herewith a statement of account pertaining to the transactions during the financial year 2013-14. Our staff is busy in following up activities related to the previous financial year, and so the statement could not be papered earlier. We are sorry for the delay. So you can see that banks are very hospitable and very much inclined towards
towards taking various kinds of customers on board. We are sorry for the delay. We assure you of prompt service in future. Necessary steps have been taken to meet such situations effectively. Yours faithfully, D.A. Rahim, manager. So this is a simple kind of a communication from a bank with one of the customers. Letter from a bank to a customer regarding overdraft facility. Like, kya hai? Dear sir, this is to bring to your notice that during the last 3 months, your account number this has been overdrawn 4 times. At the close of working hours yesterday, the amount overdrawn was ₹7,523 only. Please arrange to deposit in your account adequate amount to clear this balance. So, आपने ज़्यादा money जो है ना वो ले ली है हमसे, तो ये आपको वापस करनी है. As you are aware, overdraft is allowed to a party by previous arrangement. Since in recent past, the credit balance in your account has been very small. It is necessary to enter into an arrangement for overdraft facility. I suggest you call on us to discuss the matter. In the absence of such an arrangement, I'm afraid you would not be able to honor your check. So, which banks jo hai wo bank mein account mein maujood money se zyada draw karne ki permission de diya karte the maazi mein, lekin ab hamara wo riwaaj nahi. To whatever overdrawing you did recently, you have to return that money. Coming to 14.4. This is about reply to the letter in sample 3. Ye customer ki taraf se jawab aa raha hai bank. Yes sir, thank you for your letter this and that. Today we have deposited a check of ₹25,000 in our account number this and that. This would clear the debt and also have a small amount to our credit. Ke na sirf jo hamara debt tha ya hamara jo khasara tha wo bhi pura ho jayega balki added क्रेडिट भी जमा हो जाएगा हमारे बैंक अकाउंट में. यानी हमारा अकाउंट जो है वो खाली नहीं रहेगा बल्कि 7,000 पूरे होने के बाद वो 17,500 रुपया और भी हमारे बैंक पे पड़ा होगा. We assure you that we would maintain a credit balance in our account in future. कि हमारा अब बैंक अकाउंट जीरो नहीं होगा, क्रेडिट जो है उसमें पड़ा होगा कुछ ना कुछ. डिपॉजिट आवर एफर्ट्स डिस्पाइट आवर एफर्ट्स there may be occasions when we may have to over withdraw. Hamari efforts ke bawajood ho sakta hai ki mustaqbil mein bhi hame kuch zyada money jo hai withdraw karni pad jaye. I shall therefore call on you to discuss the rearrangement for overdraft facilities up to ₹20,000 ke ye minus mein 25,000 tak 20,000 tak ja sakta hai for 3 months. Ke 3 months tak hame itni permission de ki hamara account minus 20,000 tak chale jaye. Because of recent strike by transporters, the marketing of our products was disrupted. The situation is likely to become normal after 3 months. Hence this request. Next week I shall call you your secretary to fix an appointment with you. So next week मैं आपके secretary से बात करूंगा ताकि हमें ये facility दी जाए कि अगर हमारा balance जो है वो minus पे चले जाता है तो हम पे शक ना किया जाए कि आप के customer bank को लूट के चला गया, बल्कि you should remain calm and content that this money will come back very soon. Our banks usually trust kiya karte hain apne clients ke upar. Sample 5, letter from one bank to another for clearance of checks. Ek bank jo hai dusre bank ko check ki clearance ke liye khat likh sakta hai. Aajkal sirf telephone pe kaam kiya jata hai ki ek bank jo hai jab online banking hoti hai to aap ek bank ka check dusre ke paas aate hain to apne system mein check karte hain, and if they find adequate proof of presence of money in the other account, they further confirm it through phone call to the manager or the cashier over there in the other bank, and this way it takes place within the same day or let's say after 1 day. Lekin paazi mein ye hua karta tha ki bank jo hai correspond karte the, and it would take at least a week to confirm. National bank ke agar aap ke paas check aaye to unko time lag jata hai cash hone mein for in another private bank. The manager, new commercial bank, this and that, Jaipur. Yes, sir. We had sent 23 checks list enclosed for clearance on 31st of March. So, ye baat ho rahi hai 7 April ki, yani hafta guzar chuka hai. But for but so far, the intimation for transfer of credits has not been received. Ke bhai hame koi yes
नो नहीं आया, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया कि भाई कैश एग्जिस्ट करता है, आप ट्रांसफर कर दें, हम आपको अदायगी कर देंगे. सेवरल ऑफ द कस्टमर्स हु हैड डिपॉजिटेड दीस चेक्स फॉर रियलाइजेशन कॉल्ड अस यस्टरडे टू इंक्वायर अबाउट द कॉज ऑफ डिले. आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक क्विक एक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स. योर्स फेथफुली डी ए रहीम मैनेजर Enclave as above, enclosed as above. कि भाई ये मैं ये हूँ. तो ये पांच किस्म के आपने सिंपल लेटर्स देखे जो कि कस्टमर्स बैंक को लिखते हैं और बैंक जो है वो फर्म्स को लिखते हैं, इंडिविजुअल्स को लिखते हैं. नंबर सिक्स इज कमिंग अप इन द लास्ट फोर मिनट्स. लेटर फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए बैंक टू इट्स हेड ऑफिस फॉर एक्सटेंडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज टू अ कस्टमर. कि एक जो कस्टमर है जो कि कंसेशन मांग रहा है कि उसका ओवरड्राफ्टिंग अगर हो जाती है तो उसको फैसिलिटी दी जाए, तो ब्रांच जो है हेड ऑफिस को खत लिख रही है, ये लेटर लिख रही है. फॉर एग्जाम्पल अबीब बैंक जो है यहाँ पे बैठ के अपने हेड ऑफिस माल रोड पे खत लिखेगा. The general manager, the Indian National Bank, Mayappa Road. Dear sir, we have received an application copy enclosed from Bindal Home Appliances Private Limited, Lajpat Nagar, New Delhi, for extending the overdraft facilities for ₹75,000 for 6 months. That is from 1st July to 31st of December 2014. This facility is required by them to meet the cost of intensifying efforts to promote the sale of their products. Our business relationship with the company for the last 15 years has been smooth and harmonious. Their withdrawals have been moderate and they enjoy good credit status in the market. Ke bhai unke withdrawals aise nahi hai ki achanak unhone 2 crore rupya nikalwa liya ho bank se. Moderate hai, yani wo bank ko kangal karke nahi chale jate hain. They also take good care of the bank's credibility and their accounts. Hence, their withdrawal record has been pretty good and their credit status in the market is also good. Moreover, they have offered to deposit with us equal shares of Somani Cotton Mill Surat, whose current market value is ₹80,000. तो उन्होंने उसके शेयर्स भी हमारे साथ डिपॉजिट किए. आई देयरफॉर थिंक दैट देयर रिक्वेस्ट डिजर्व्स टू बी एक्सेप्टेड. प्लीज कंसीडर द मैटर फेवरेबली एंड कन्वे योर अप्रूवल सून. और ये बैंक जो है हेड ऑफिस को लिख रहा है कि भाई हमने जो जांच पड़ताल की उसके मुताबिक ये फेयर डीलर है और इनको हमें एंटरटेन करना चाहिए. और बैंक ब्रांच ही बेहतर गाइड कर सकती है बिकॉज दे have their finger on the pulse of their customers because they have been dealing with them for years. क्योंकि बैंक में जाने वाला कस्टमर जो है उसको अक्सर वहां के लोग जान जाते हैं कि भाई इसके किस तरह का रिस्पॉन्स है. Further on, down there, letter from a customer to stop payment of a check. Dear sir, this is to confirm the telephone request I made today to stop payment of check number this and that for ₹8,000. As I told you, the check issued in favor of Trendy Furniture Mart at Ambedkar Carol Descendants was lost by their accountant on its way to Punchquin Road to finalize a business deal. Please confirm that necessary action has been taken to prevent unauthorized payment. The check gum gaya, isliye aap payment na kariyega agar koi bhi aaye aapke paas, kyunki wo check kisi aur ke haath lag sakta hai aur wo usse payment lene ki koshish kar sakta hai apne shakhti card ke upar. So don't do so. So insurance correspondence is the last thing which we certainly won't be able to do today. So this won't be part of your midterm, but until banking correspondence, this will be your course. So as far as business correspondence is concerned, we have covered almost everything. बाद में रह जाते हैं social correspondence और email correspondence. Email correspondence आपको आती है, जबकि social correspondence हमें करने की ज़रूरत नहीं है. We do it through various kinds of means, telephone, WhatsApp, all that. So सिर्फ insurance रहेगी. Insurance का भी रिवार्ड पाकिस्तान में कम है. That's why we won't be able to do insurance. But until banking correspondence, everything is included in your course, and you'll receive a WhatsApp message from me by Tuesday where I will give you directions about your midterm and its course content and the scheme of exam, which is essentially 10, 10 and 15.